आओ नंदलाल बरस रही अखियां, 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 आओ नंदलाल बरस रही अखियां, 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 आओ नंदलाल बरस रही अखियां, 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 आओ गोपाल बरस रही से पहाड़ में, और मैं यमुना के तीर, अब तो मिलनो कठिन भयो, मेरे पांव पर ये जंजीर। देखो तो सही कैसे हमारे दुर्भाग्य, और प्रीतम के लिए, प्रिय के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है कि जब उसके प्रीतम कहीं दूर हो और बीच में ऐसे पहाड़ हो, और वो पहाड़ और कोई नहीं, हमारे कर्मों के ही तो पहाड़ हैं जिन्होंने हमारे प्रीतम को हमसे दूर कर दिया है। गोपियों के आंख में आंसू हैं, कहते हैं यदि हे प्रीतम आपका मिलन हमसे न हो, आपसे न मिल पावे, तो प्रभु एक कृपा करो, यदि आपके वियोग में रोते रोते, आपके लिए तरसते तरसते, इस देह के अंदर, इस देह में ये सामर्थ्य ना आवे कि आपके दर्शन कर पावे, तो हे प्रभु हमने सुना है कि ये देह भी पंच महाभूतों से बना हुआ है, और हे विधाता, हे प्रभु मैं आपको विनती करूं, यदि शाम के वियोग में तरसते तरसते ये प्राण देह से निकल जाएं, मेरे कहे में न रहे, तो प्रभु एक कृपा करना कि जब शाम को याद करते करते ये देह नष्ट हो जाए, तो ऐसी कृपा करो मेरे देह का जो पृथ्वी तत्व है वो उस भूमि पे, उस मार्ग पे प्रभु आप बिखेर देना कि जिस मार्ग से मेरे श्याम सुंदर चलते हुए पधारते हैं। हे प्रभु यदि ये देह नष्ट हो जाए, तो मेरे देह का जल तत्व जो है
वो उस सरिता के अंदर मिला देना कि जिस सरिता में स्नान करने मेरे प्रभु पधारते हैं। हे प्रभु, प्रभु के वियोग में रोते रोते ये देह नष्ट हो जाए तो उसका जो अग्नि तत्व है वो अग्नि तत्व प्रभु उस दर्पण में मिला देना जिस दर्पण में मेरे श्याम सुंदर अपना मुखारविंद देखते हैं। हे प्रभु, यदि आपके वियोग में रोते रोते ये देह नष्ट हो जाए तो प्रभु वायु तत्व उस वायु में मिला देना कि जब कोई सखी प्रभु को पंखा कर रही हो और उस पंखे के वायु में मेरे देह के वायु तत्व को मिला देना। और हे सखी, हे प्रभु, जब ये देह प्रभु के वियोग में रोते रोते नष्ट हो जाए तो मेरे देह का आकाश तत्व उस आंगन के आकाश में मिला देना कि जिस आंगन में खड़े हो के मेरे श्याम सुंदर गैया को प्यार करते हैं, गैया का दूध दोते हैं, उसी आंगन में मिला देना। यही कामना करती हूँ और कहती हूँ, आओ नंदलाल दरस रही अखियां, आओ नंदलाल बरस रही अखियां, 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 आओ गोपाल बरस रही अखियां, आओ गोपाल बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस
खाइयो चुन चुनो खाइयो मांस। कहते हैं कि जब गोपी शाम को याद करते करते, गोपी शाम को पुकारते पुकारते, गोपी शाम को पुकार रही है, शाम शाम करते करते, बस बस बस, जब उसके प्राण जाने को तैयार हो गए, आंखों में से अश्रुधारा बह रही है, ये घर प्राण गए, ये क्षण प्राण गए, ऐसी दशा जब हो रही थी, और कह रहे हैं उसी समय आकाश में कौवे उड़ने लगे, चील उड़ने लगे, विचार करने लगे कि अभी ये गोपी मरेगी और उसको नोच नोच के मैं खा लूंगा। ये विचार करके जहां आकाश में कौवे उड़ने लगे, और जो गोपी शाम को याद करते करते जहां प्राण जाने को तैयार हुए, लेकिन जब कौओं को उड़ते देखा, और वो गोपी ने इन कौओं से एक विनती करी कि कागा यह तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, कागा यह तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो मुहे पिया मिलन की आस। हे प्रभु, चाहे तो हमारे ये कागा ये मेरे पूरे देह को खा लेना, पर कृपा करके इन दो नैनों को छोड़ देना। इन दो नैनों के अंदर अपने प्रीतम के मिलने की लालसा है, प्रीतम के दर्शन की लालसा है, इसलिए तो कह रहे हैं आओ नंदलाल बरस रही अखियां, आओ नंदलाल बरस रही अखियां, 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 आओ गोपाल बरस रही अखियां, आओ बरस रही।
जैसे तैसे करके गोपियां अपना विरह एक दूसरे के सामने प्रकट करती हैं और अपने धैर्य को टिकाने का प्रयत्न करती हैं। और ये श्लोक तो गाए, माता का वियोग और बढ़ने लगा, माता को और चिंता बढ़ी कि अभी तक क्यों नहीं आए, अभी तक क्यों नहीं आए। गोपियां समझा रही हैं पर मैया के आंख में से तो दड़ दड़ आंसू की धारा बहने लगी कि गोधूली बेला हो गई, अभी तक मेरा कन्हैया क्यों नहीं आया, अभी तक मेरे श्याम सुंदर क्यों नहीं आए। ये समय तक तो रोज आ जाते हैं, आज क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। न कोई बंसी धुनी सुनाई दी है, न कोई गायों के चलने के कारण जो रज उड़े वो रज ही उड़ती दिख रही है। अभी तक मेरे प्रभु क्यों नहीं आए, मेरा लाला क्यों नहीं आया, मेरा कन्हैया क्यों नहीं आया। तभी चिंता मैया को होने लगी और हृदय तो गोपियों का भी भराया है कि मैया जो दशा आपकी है वो दशा हमारी भी है, जो प्रभु के न पधारने का वियोग आपको है वही दशा हमारी भी है। सखियां कहने लगे मैया को आश्वासन कैसे देवें। और पुनः आगे के युग्म के अंदर मैया को आश्वासन देते हुए सखियां कह रही हैं, वसलो ब्रज गवाम यल गंधो सखी। और कहते हैं ये कौन से महीने की लीला है, महामहीने की लीला। और जहां
यशोदा मैया को आंसू बहाते देखा, गोपियां स्वयं भी आंसू बहा रही थी, अभी तक प्रभु क्यों नहीं आए, अभी तक प्रभु क्यों नहीं पधारे, क्योंकि प्रेम अनिष्ट शंकी होता है। कल ही बात मैंने करी थी, अनेक अनेक प्रकार की शंकाएं मन में जागने लगी, क्यों प्रभु नहीं पधारे होंगे, प्रभु के आते देर क्यों हो गई, क्योंकि देखो तो सही, संयोग और विप्रयोग जब दोनों का वर्णन साहित्य में होता है तो भगवती जन तो यहां तक कहते हैं कि प्रभु के संयोग में जो सुख मिलता है उससे अनेक गुना सुख प्रभु के विप्रयोग में मिलता है। लेकिन क्यों, किसी ने कहा है अति सुखकर मिलन मधुर, संयोग मधुर होता है, कहते हैं है अति सुखकर मिलन मधुर जिसमें होता प्रिय का संयोग। कहने को तो संयोग बड़ा मधुर होता है क्योंकि प्रीतम से मुलाकात जो होती है। अति सुखकर मिलन मधुर जिसमें होता प्रिय का संयोग, मृदुल मधुर मुस्कान मनोहर अनुपम दिव्य सुधारस भोग। कहने को तो मिलन बड़ा मधुर होता है क्योंकि प्रियतम से जहां प्रत्यक्ष मुलाकात होती है, लेकिन भक्त कहते हैं प्रियतम से मिलन में आनंद तो आता है पर वो आनंद नहीं होता जो आनंद प्रियतम के विप्रयोग में आता है। बोले क्यों, मिलन में आनंद तो आएगा पर वह होता एक देश में एक काल में एक प्रकार, अंत दृष्टि न रहती होती वृत्ति सर्वथा बाह्याकार। अब देखो वियोग में और संयोग में क्या भेद, पहले तो संयोग की प्रशंसा करी कि जब प्रियतम मिले तो प्रियतम से मिलने का आनंद आवे, इसलिए प्रियतम से मिलना उनका संयोग उत्तम है, लेकिन संयोग के अंदर जब प्रियतम मिले तो प्रियतम से मिलन मात्र एक देश में एक काल में और एक समय में होता है, लेकिन विप्रयोग के अंदर तो वो दशा होती है कि जहां देखे वहां उसके प्रियतम के दर्शन हो रहे हैं, जिस स्थान के अंदर देखे उस स्थान में उसे प्रियतम की याद आवे, क्योंकि संयोग में अपने सामने प्रियतम होते हैं और सामने प्रियतम को देखने के बाद और कहीं भी प्रियतम की झलक मिलती नहीं है, लेकिन विप्रयोग के अंदर तो जब प्रियतम सामने नहीं होते तो वही प्रियतम अनेक अनेक स्वरूप धारण करके जहां उसकी दृष्टि जाए उस वस्तु के अंदर पहले से पधार के उसे अनुभूति कराते हैं। जब ठाकुर जी मिले तब तो गोपियों को संयोग मिले, लेकिन विप्रयोग के अंदर जब दृष्टि वृक्ष के ऊपर पड़े लगे ये वही वृक्ष है जिसके नीचे खड़े होकर मेरे श्याम बंसी बजाते, जब गाय की ओर दृष्टि पड़े बोले तो वही गाय है जिसका दूध मेरे श्याम पीते हैं, जब गोवर्धन पर दृष्टि पड़ी तो वही गोवर्धन है जिसके ऊपर प्रभु ने खड़े होकर मुझे आवाज लगाई थी, जहां श्री यमुना जी के ऊपर दृष्टि पड़ी तो यही यमुना है जहां मेरे प्रभु स्नान करते हैं। संयोग के अंदर भी प्रभु के सुख का आनंद मिले, विप्रयोग में भी आनंद मिले, लेकिन संयोग से भी उत्तम तो विप्रयोग है, क्योंकि दिग दिगंत में मिलता उनका निशदिन मधुर दर्शन संयोग। संयोग में मात्र एक देश में मिलेंगे, यहां मिले जरा यहां शांति बनाए रखें पीछे अंदर, जब विप्रयोग के अंदर जहां दर्शन कर रहे हैं वहां प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन संयोग में तो सिर्फ सामने हैं तो वहां नहीं है, इसलिए कह दिया देश काल का कभी न रहता कुछ भी वहां तनिक व्यवधान, प्रति पदार्थ में मिलते प्रियतम हरदम करते सुख का दान, नित्य स्पर्श से पुलकित रहता रोम रोम खिलते सब अंग, विप्रयोग इससे अति उत्तम मिलते जहां नित नवीन रंग। संयोग से भी विप्रयोग अधिक उत्तम है कि जहां प्रतिक्षण प्रीतम के नए नए रसों का अनुभव जीव को होता है, और इसलिए जब मैया को ताप होने लगा प्रभु क्यों नहीं आए क्या देर हो गई होगी, तब मैया को समझाने के लिए गोपियों ने एक और कारण दिया, बोले क्या, वंद्यमान चरण पथि वृद्धि, क्या कहा, कह रही मैया क्या बताऊं, आपके लाला तो आते ही होंगे और मुझे तो यह लग रहा है कि अपने ब्रज की सीमा तक प्रभु पधार ही गए हैं, गांव की सीमा तक प्रभु आ ही गए हैं। मैया ने कहा जो गांव की सीमा तक आ गए हैं तो भीतर क्यों नहीं आए, हे मैया क्या बताऊं, जो बड़े बड़े वृद्ध हैं बड़े बड़े गांव के जो बुजुर्ग हैं उनके मन में एक लालसा बड़ी ही रहती है। बोले क्या, कि हम भी कृष्ण के चरणों में जाएं,
हम भी प्रभु के चरणों को पकड़ें और ठाकुर जी के चरणों में गिर के अपने आप को धन्य करें। लेकिन क्या बताऊं मैया, यदि नंदालय में आके वो प्रभु के चरण स्पर्श करते हैं तो तुम ना कह देती हो कि नहीं लाला तो छोटा है और आप तो वृद्ध हो, आप इसके चरणों को छुओ थोड़ी शोभा देता है, मचियो। और वृद्धों के मन में मनोरथ अधूरा रह जाता है, वो वृद्ध तड़पते रहते हैं कि हमको प्रभु के चरणों का स्पर्श कब मिले, हमको ठाकुर जी के चरणों का सुख कब मिले। और हे मैया, उनको लगता है कि ये एक ही मौका है जब ठाकुर जी गैया चरा के वापिस ब्रज में आ रहे हों, वापिस गांव में आ रहे हों, तो तब हम जाके गांव के बाहर खड़े हो जाएं और जैसे ही ठाकुर जी पधारें उनके चरणों में गिर के उनके चरणों को थाम लेवें, उनके चरणों को अपने मस्तक पर बदरावें। ऐसा मनोरथ जब उनके मन में होता है तो हे सखियो क्या बताऊं, भगवान भी तो भक्त वत्सल है और मुझे लगता है कि ठाकुर जी तो गांव तक आ गए होंगे, पर जितने भी वृद्ध हैं और वृद्धों ने ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लिया होगा, उनके चरण छोड़ नहीं रहे होंगे। और मैया आपका लाला भी तो बड़ा संकोचशील है, उसे संकोच हो रहा होगा कि बुजुर्ग हैं, बड़े उम्र के हैं, इनको अपने चरणों से दूर कैसे करूं, और इसलिए आने में अवेर हो गई होगी, इसलिए आने में देर हो गई होगी। क्या कहा, वत्सलो वज गवाम इरगंधो वंदेमान चरणा पथि वृद्धैहि, के बड़े बड़े वृद्धों ने आके मार्ग में ही आपके चरणों को पकड़ लिया, अब कोई चरणों आकर पकड़ लेवे तो आगे कैसे आदमी बढ़े, इसलिए देर हो गई होगी। और वृद्ध ही शब्द कहा तो यहां कहते हैं ये वृद्ध ही कौन है, बोले वृद्ध ही आके बड़े बड़े बुजुर्ग आके प्रभु के चरण पकड़ लेते यहां, और वृद्ध और कोई नहीं पर वृद्ध ही यानी वद्यते इति वंदेमान इंद्र ब्रह्मा। कहते ये वृद्ध कौन, वय में वृद्ध ऐसे ब्रह्मा जी, बड़े बड़े इंद्र वो सब आके ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लेते हैं कि प्रभु आपके चरणों का दान हमको दो, चरणों का दान हमको दो, और प्रभु को वहां रुकना पड़ता है, इसलिए आने में देर हो गई, वरना जरूर तो जरूर आ जाते। इसलिए तो सखियां कह रही हैं, बसलो ब्रज Man.